नमस्कार, बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बुजुर्ग हमारे लिए पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, जिनके अनुभवों से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज इसी कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गुड़गांव से HS राठी जी से, जो हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग से चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हैं, और उनकी धर्मपत्नी कुसुम राठी जी, जो गवर्नमेंट कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से रिटायर्ड हैं। हम सबसे पहले राठी जी से पूछना चाहेंगे कि इतने उच्च पदों पर रहते हुए उन्होंने जो सेवाएं सरकार को दी, समाज को दी, उसके बारे में उनके क्या अनुभव हैं। राठी साहब, आप जरा अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों से साझा करेंगे। मैंने हरियाणा इरीगेशन 1972 में SDO के पद पर ज्वाइन की और 2008 में चीफ इंजीनियर के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। इसमें हमने काफ़ी काम किए सिंचाई विभाग में। हमारे सिंचाई विभाग का मतलब ये है भी पानी जीवन का सबसे जरूरी अंग पानी है। उसको कैसे बचाना है, उसको किस तरह से उसका प्रयोग करना है, ये सारे काम हमारे हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बना नहीं सकते हैं, और हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो सकती है, पानी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर लिहाज से हम पानी की बचत करें और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। नौकरी में सबसे पहले दो काम हैं, एक तो अपना काम ईमानदारी से करना है और एक उसकी पूरी लगन से। जब तक हम अपना कार्य कोई लगन से नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता। मैं आज के युवाओं से और जो नई जनरेशन आ रही है उनसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि अपने सर्विस के लिए वो सबसे पहले ये देखें कि मेहनत से काम करें, और दूसरा ईमानदारी से। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्ड वर्क, और ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जिससे इज्जत बढ़ती है और आपको अपना आत्मविश्वास भी उससे पूरा बढ़ता है। तो इसलिए ये दोनों लेके चलोगे तो किसी चीज़ का नहीं। एक चीज़ और है, अगर आप दो चीज़ों को याद रखोगे, भगवान को और मौत को, तो आपका 90% काम जो से वो गलत नहीं हो सकते हैं। आगे ये है कि कार्य करते हुए सबको इज्जत देनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर एक को रिस्पेक्ट के हिसाब से बोलना चाहिए। और रिस्पेक्ट से, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारे को भी रिस्पेक्ट देंगे। ये तो हुआ नौकरी का या नए बच्चों के लिए। अब हमारे बुजुर्गों की बात आती है। बुजुर्गों के लिए सबसे पहली बात है, बुजुर्ग अपनी सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखे। स्वस्थ जो से है, सेहत का कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप का जीवन ही बेकार हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है भाई, अपने जो सी है दिनचर्या को आपने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ठीक बनाना है। खान पीन अपना ठीक रखना है, अपने विचार ठीक रखने हैं, सबको सबसे हंस के मिलना है और सबसे अच्छी बातें करनी है। किसी की बुराई ना करो, सिर्फ अच्छाई करो, और अच्छाई ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में देगी। दूसरी बात ये है, आप अपना परिवार है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं भी हमारे बाल बच्चे, हमारे लड़के, हमारी लड़कियां हमारी सेवा करेंगी। आप अपना फंडा एक शुरू से ये क्लियर कर लो भाई, जिस तरह पक्षी होते हैं वो घोंसले में अपना अंडा देते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं वो उनका पालन पोषण करते हैं, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। तो अपना ये आप विचार रखोगे तो आपको ये पता रहेगा, अगर आपके बाल बच्चे या आपका बेटी बेटे कोई आपकी सेवा नहीं करते हैं तो उसको आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे ये आपके अगर मन में आ गई तो आपका जीवन सरल और अच्छे स्वभाव से चलेगा और आप हमेशा खुश रहोगे। दर्शकों, राठी जी ने एक और बात हमें बहुत अच्छी बताई है, जो कि शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पक्षियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे पक्षी जो है वो निस्वार्थ भाव से अंडे देते हैं, जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो उनको वो दाना लाके रोज़ देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पंख लग जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि बच्चों के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से उनको बड़ा करना चाहिए, उनको कामयाब बनाना चाहिए ज़िंदगी में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। लेकिन उनसे उम्मीद करके हमें बुढ़ापे में अपने लिए कोई दुख का जो है ना, एक दुख नहीं हमें अर्जित करना है अपने लिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें अपना इंतजाम खुद करके रखना चाहिए। तो ये दो बातें राठी जी से मैं बहुत आज प्रेरित हुई हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये दो बातें आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी, और अभी आगे भी हमें बहुत कुछ सुनने को, जानने को, उनके अनुभव साझा करने का मौका मिल रहा है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अब मैं चलती हूँ मैडम कुसुम जी की तरफ। आपके हिसाब से जो है आज के जीवन में
एजुकेशन का क्या महत्व है, शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे जीवन में सभी के लिए, आप उस पर जरा अपने अनुभव और अपनी जो है प्रकाश डालेंगे प्लीज। आज के टाइम पे शिक्षा इतनी ज़रूरी है बच्चों की और लड़कियों की, जी क्योंकि लड़कियां जो हैं वो एक घर को नहीं दो तीन घरों को संवारती हैं। तो मेरे हिसाब से कि बच्चों को एजुकेशन अगर अच्छी मिलेगी तो उनके संस्कार भी अच्छे बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। दूसरी बात ये कि लड़कियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियां जो हैं वो दूसरे घर को जाती हैं तो वो अपनी एक तो अपने बच्चों को और नई जनरेशन को अच्छे से बना सकती हैं और अच्छे से आगे वो उनको अच्छे संस्कार दे सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी है, क्योंकि जब तक माँ बाप बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वो न अच्छी शिक्षा बन पा सकते हैं और न ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितना कुछ हर एक चीज़ बदल रही है, बच्चों में इतनी वो माँ बाप की नहीं परवाह करते, बच्चे ये नहीं सीखते कि बड़ों से कैसे बात करनी है। तो ये शिक्षा के थ्रू ही आप सीख सकते हैं, वैसे नहीं सीख सकते ये चीज़ें। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि मैडम कुसुम ने हमें शिक्षा के ऊपर जोर देते हुए बहुत अच्छी बात बताई है, और अब मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और नैतिकता के बारे में इनके क्या अनुभव हैं, ये क्या विचार रखती हैं और उसके बारे में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। मैडम आप बताइए कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी और नैतिकता को किस दृष्टि से देखती हैं, किस दृश्य उससे आप जो है समाज में संदेश देना चाहती हैं। मैं समाज में यही संदेश देना चाहती हूँ कि आध्यात्मिकता से जरूर जुड़े। अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो बुजुर्गों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही टाइम होता है जिससे हम परमात्मा के साथ हिसाब अपना बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो रूटीन है उसमें एक टाइम या दो टाइम जैसा भी बुजुर्ग अपने हिसाब से निकाल सकते हैं उसी हिसाब से इसके अंदर अपना ध्यान लगाएं, अपने आप को उसमें साधें और दैनिक दिनचर्या में जिस चीज़ में आप विश्वास करते हैं अपनी वो बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि भी आप हर टाइम किसी चीज़ के लिए आप आध्यात्मिकता करें, नहीं, कुछ टाइम ज़रूर निकालें। और ये भी ज़रूरी है कि बच्चों के साथ, जहाँ तक आपके भाई बच्चे अगर साथ में रहते हैं उनको भी थोड़ा सा इस आध्यात्मिकता के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये अगर संस्कार बच्चों में भी आएंगे वो बुजुर्गों से ही देखते हैं बुजुर्ग कैसा करते हैं और वही जो है वो बच्चे करते हैं। माँ बाप की आप अगर बच्चे सेवा करते हैं तो उनके बच्चे भी उनको देखकर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अगर आप उनको ऐसा नहीं सीख देंगे तो फिर वो ये है कि बच्चों में और माँ बाप में और हर तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आध्यात्मिकता भी बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने सुना कुसुम जी से, उनका कहना है कि मनुष्य जब एक पर्टिकुलर उम्र पे आ जाता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लग जाता है अपनी सारी जिम्मेवारियों को जिंदगी में पूरी करके, तो कुछ वक्त ही उनके पास बचता है जब वो परमात्मा में अपना ध्यान लगा सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो आप भी जो है इनकी बात को अपने जीवन में उतारें, उनके अनुभव से सीखें और वक्त आने पर, या जरूरी नहीं है कि इस उम्र में, किसी भी उम्र में थोड़ा बहुत जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरह हमें जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए और हमें उस परमात्मा के प्रति अपनी आस्था को रखना चाहिए। तो राठी साहब, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, पहले तो मैं आप दोनों को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आप दोनों जो हैं एक उत्तम दंपति का उदाहरण पेश करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समाज के लिए जो है एक उदाहरण बने हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबके बीच में बैठकर आपसे दो बातें कर रही हूँ, आपके अनुभव साझा कर रही हूँ, जो मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं और मेरे दर्शकों के लिए भी एक ज़रूर प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो आपने देश विदेश में अपनी सेवाएं दी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वहाँ पर बुजुर्गों के क्या हालात हैं, उनकी दिनचर्या, उनके जीवन यापन के तरीके, और जो यंग जनरेशन है उनसे उनके कैसे ताल्लुक हैं, कैसे संबंध हैं, और हमारे देश में आप क्या समझते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनकी स्थिति क्या है। तो आप अपने कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे।
हमारी भारतीय संस्कृति जो है बहुत महान है, और यहाँ पे जो हमारे संयुक्त परिवार हैं उनका मुकाबला दुनिया में हम कहीं नहीं कर सकते। अब बाहर की बात ये है, वहाँ पे बच्चों बच्चे जो से हैं वो 16 साल के या 18 साल के हुए उसी वक्त माँ बाप को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए सिर्फ ओल्ड एज होम हैं रह गए हैं, वहाँ पर वो करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उनका जीवन जो सा है वो कोई अच्छा व्यतीत नहीं होता। जो उनका अंतिम समय है वो कष्टदायक होता है, ना कि खुशीदायक। अगर हम उसी को भारत में लें और अगर हमारे संयुक्त परिवार हैं तो उनमें सब हमारे बुजुर्गों का जीवन ठीक होता है, पर अब जो जो हमारे पे दूसरी संस्कृति का प्रभाव आ रहा है तो उससे माँ बाप से बच्चे अलग होते जा रहे हैं और यहाँ पे माँ बाप की कंडीशन भी खराब हो रही है। यहाँ पे कोई ओल्ड एज होम नहीं है, कोई बुजुर्गों के लिए उनके स्वास्थ्य की रेख देख नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी अब कंडीशन जो सी है बुजुर्गों की काफ़ी खराब है। उनका ध्यान रखना भी सरकार का एक फर्ज बनता है ताकि वो अपना अंतिम समय अच्छे से गुजार सकें और वो ठीक ठाक रहें। तो आपने जैसे बताया कि वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, बहुत दयनीय हैं बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज होम में उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वो स्थिति आपके हिसाब से हमारे देश में भी होती जा रही है, आती जा रही है, और मैं समझती हूँ कि इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि हम शायद कहीं कमी कर देते हैं अपने बच्चों को उस योग्य बनाने में, वो शिक्षा, वो संस्कार देने में, जहां वो हमारी इज्जत करना या हमें सहारा देना या हमारा आसरा बनने पर जो है वो राजी नहीं होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे तो जरूरी है एक संयुक्त परिवार जी, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो हर एक कोई, उनकी हस्बैंड वाइफ भी हैं वो जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद वो डिपेंडेंट रह जाते हैं बच्चों के लिए मेड्स पे, तो मेड्स उतने अच्छे संस्कार नहीं दे सकती। अगर दादा दादी या कोई भी हैं, नाना नानी या बुआ कोई भी हैं साथ में, तो वो बच्चों को संस्कार देने में साथ साथ उनकी देख रेख करने में बहुत अच्छे से उसका पालन कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई हर एक जो हस्बैंड वाइफ है उनको ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बेशक वो ठीक है अब जॉब में बहुत बिजी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आप हस्बैंड वाइफ की नौकरी की बात कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी आजादी का जो है ना वो ज्यादा ध्यान रहता है कि हमें आजादी चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो पहनने ओढ़ने को लेकर, आने जाने को लेकर, पार्टीज को लेकर, खाने पीने को लेकर, आप देखेंगे कि घर में जो है इन्हीं चीजों पर जो है टोकाटाकी हो जाती है और विचार जो है मेल नहीं खाते। तो उस सिचुएशन में आप क्या क्या समझते हैं कि संयुक्त परिवार का एक साथ रहना या जनरेशन गैप को जो है एक साथ चलना बड़ा मुश्किल काम लगता है? यहाँ पर मैं कहूँगी बुजुर्गों को थोड़ा सा उनका साथ देना चाहिए जी। समय के साथ उनको भी थोड़ा सा बदलाव जरूरी है, उनकी मानसिकता में, उनकी सोच में, या बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड देने में, बिल्कुल फ्री हैंड देने में थोड़ा सा बच्चों को समझे कि उनकी क्या जरूरत है, उनको क्या चाहिए, और फिर उन आपको ये गिव एंड टेक का मामला होता है, जैसा आप दोगे वैसा ही उनसे लोगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई बच्चों को समझना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, इसी तरह से बुजुर्गों को भी समझना चाहिए कि हमें बच्चों की किसी न किसी तरीके से देखरेख करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि समझना चाहिए बुजुर्गों को, बच्चों को, ये हम आपस में बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बुजुर्गों को कौन समझाएगा? बच्चों के लिए तो चलिए मैं मानती हूँ कि स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, कैंपेन्स होते रहते हैं, एनजीओज हैं, वो काम करती हैं इन चीज़ों के लिए, काउंसलिंग करती हैं बच्चों के साथ, है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों के लिए भी कुछ ऐसी काउंसलिंग या अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जो कि जनरेशन गैप को कम कर सके और उनकी मानसिकता को थोड़ा सा चेंज कर सके? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि उनको भी कोई ऐसा मिलना चाहिए जिसके कारण वो अपने आप को थोड़ा सा उस माहौल में ढाल सके। थोड़ा सा ये भी है कि भाई अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म अगेन उस तरफ जाओ तो मेरे ख्याल से आपके अंदर जो अहम होता है जिसके कारण आप बच्चों के सामने कहते हुए भी डरते हो है, और थोड़ा सा अपने आप ही अंदर से ही अंदरूनी चेंज आ जाता है, तो ये भी ठीक है कि भी उनकी काउंसलिंग भी जरूरत है। दूसरा
कि आसपास के माहौल को न देखकर अपने अंदर की आवाज़ को सुने। अंदर की आवाज़ जो है वो ऐसी आवाज़ होती है जिसके आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, उसी को सुने, उसी से घर का माहौल बनाए, उसी से। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी हाँ, आप जहाँ पर हो सकता है कई बुजुर्ग अपने आप को चेंज ना करें, उसके लिए उनको काउंसलिंग या हाँ उनको अवेयरनेस प्रोग्राम की, काउंसलिंग की जरूरत है। यहाँ पे बुजुर्गों को बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। जैसे हम बड़े हैं, हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे ही करें, ये जो परिस्थिति है इसको हमको कंट्रोल करना पड़े। वो जो कर रहे हैं वो आज के हिसाब से कर रहे हैं, हम जो थे हमारे पुराना था, इसमें जनरेशन गैप है। इस जनरेशन गैप को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लाना है, बच्चे अपने तरफ से चलें, वो अपने तरफ से तालमेल बिठाने के लिए जो है ये चीज जरूरी है। बुजुर्गों में अकड़ ज्यादा है, ईगो ज्यादा है, उसको थोड़ा सा अगर बुजुर्ग कंट्रोल कर लें तो घर का शांति से चल सकता है। यंग जनरेशन को बहुत फायदा है बुजुर्गों का, उनके बच्चों की जो रेख देख है अगर माई करती है या बाप दादा करते तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का है। सारी चेंजेस जो सी हो रही हैं और जो गड़बड़ हो रही है ये सिर्फ इसी करके हो रही है। जो संस्कार बुजुर्ग दे सकते हैं वो घर की माइयां नहीं दे सकती बच्चों को। दूसरी बात ये है वो इतने व्यस्त हैं अपने काम में और पैसे के चक्कर में, वो बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। अगर बच्चों को आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो उसका कोई पैसे का उसका कोई फायदा नहीं है। पैसा आनी जानी चीज है, संस्कार जो उनसे वो पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। दर्शकों, आपने देखा कि राठी दंपति ने हमें कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और आज की जो वर्तमान सरकार है वो बुजुर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाने की योजनाएं हैं। तो मैं राठी साहब से अब ये जानना चाहूंगी कि वो कहां तक इस बात से सहमत हैं और उनके क्या विचार हैं। आज के टाइम में सरकार काफ़ी काम कर रही है, ओल्ड एज होम भी बन रहे हैं और बुजुर्गों के लिए पेंशन की स्कीम भी आ रही है, पर ये जो सी है ये पर्याप्त नहीं है। हमारे बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर एक के पास ये सहायता नहीं पहुंच रही है। इसके लिए विलेज लेवल से हमारे को चलना पड़ेगा, वहाँ पे जितने गाँव, हर गाँव में हमारे को सोचना पड़ेगा। शहरों में जो अच्छे खाते पीते हैं उनके लिए ये समस्या नहीं है, हमारे जैसों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को सहायता की जरूरत नहीं है। ये नीचे लेवल से, रूट लेवल से चलें ताकि उनकी उन्नति हो, तो फिर जाके इनकी समस्या हो सकती है। आपका कहना यह है कि इसमें डिवीजन होना चाहिए, एक डिवीजन होना चाहिए, एक ग्रेड बनाना चाहिए, जैसे लो ग्रेड, अपर ग्रेड, या जिनको जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा जरूरत है, जो गरीब लोग हैं उन तक सहायता ज्यादा पहुंचनी चाहिए। गरीब जो है ना उनको मेन सहायता होनी चाहिए, उनकी जो जीवन है वो अच्छे तरीके से जाना चाहिए। हम तो जो भगवान ने दे दिया इतना तो बहुत है, पर उनकी हमारी समस्या ये है अभी उनको ठीक होना चाहिए, उनकी जितनी मदद हो सके वो करनी चाहिए। और ये अकेला शहर में या एक ओल्ड एज होम बनाने से ये काम नहीं चलेगा, ये जब तक हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है जनसंख्या कि उसके लिए वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा हर लेवल पे। ये एक लेवल से या वे डिप्टी कमिश्नर कर दे या वो कर दे, पटवारी से लेके ऊपर तक जाके ये सारा काम करेंगे जब जाके हमारा हो सकती है। और इसमें टाइम लगेगा, ये नहीं भी हम दो दिन में कर देंगे, पर इसमें हर आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए भी, हर ऑफिसर की, हर हम भी नागरिक हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है, जहां हमारी जरूरत पड़े या जिस फील्ड से हमने काम किया है उसमें हमारी जरूरत पड़े तो हम फ्री सर्विस देने के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ होती है टाइम, टाइम पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को हमारा टाइम चाहिए, टाइम बैंक कहते हैं एक, उसका ये मतलब है कि हम किसी आदमी को, मेरी जरूरत है, उसके कोई काम करने वाला नहीं है तो वो मेरे टेलीफोन करते, मैं उसके पास दो घंटे जाके बैठा है। ये जो दो घंटे हैं इसकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, पैसा भी नहीं कर सकता। तो जो आदमी इलिजिबल हैं या काम कर सकते हैं उनकी सेवाएं टाइम बैंक बढ़ा के लेनी चाहिए कि गरीबों की सेवा कर सकें। और ये जो टाइम देंगे ये सबसे बड़ा दान और कम्युनिटी की सबसे बड़ी सेवा है। साथ में ईमानदारी के साथ भी ये काम हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो गांव में है उनको पूरी तरह से सहायता नहीं मिल पाती। हाँ, जो योजनाएं हैं वो कागजों तक रहती है, कागजों लेकिन तक, जो असली हकदार हैं उन तक वो जो है पहुंच नहीं पाती, उनको पहुंच नहीं पाती। तो मेरी तो कहना यही है कि अगर सरकार इस चीज में थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाए और ईमानदारी से सेवा दे
तो मेरे ख्याल से ये बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ। सकती है और जो असली इनके हकदार हैं, हाँ, जिन्हें जरूरत है, जरूरत वहां है तक उनको जो है, मिल सके ये सहारा पहुंच सकता है। और हर नागरिक को जो अच्छा है उसको कोशिश करनी चाहिए भी किसी की मदद करें। हमारा शरीर आया ये मिट जाना है, अगर किसी का हम काम आएंगे या करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। टाइम जो सा है ना, टाइम फैक्टर दोबारा वापस नहीं आ सकता, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और गरीब को या नीचे तबके को या जिसको जरूरत है उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। मैं रट साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि टाइम बैंक जरूर होना चाहिए। टाइम बैंक के लिए एक तो मैं ये कहूँगी, जो रिटायर्ड जैसे ही होते हैं 58 ईयर्स में रिटायर्ड होते हैं, लेकिन 58 ईयर्स में भी आदमी इतना एक्टिव होता है कि ये सेवाएं जो हैं आराम से कर सकता है। तो इसलिए मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगी कि ऐसे उनको लेना चाहिए अफसरों को, जो एक तो ईमानदारी से काम करें इस तरफ, और दूसरा अपना टाइम भी आराम से दे सकते हैं और वो बड़ी उसके साथ तसल्ली के साथ उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो सरकार का एक तो आधा खर्चा कम होगा है और एक उनकी आधी सिरदर्दी भी खत्म होगी। तो ये टाइम बैंक जो है ना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि फॉरेन में भी ये टाइम बैंक का ही चला हुआ है। टाइम बैंक का जो है ये कॉन्सेप्ट शायद भारत में अभी नहीं है, नहीं है। ये नया कोई कॉन्सेप्ट है जो मेरे लिए भी जो है एक बड़ी नई चीज है, बड़ी विचित्र और बड़ी अच्छी चीज है। तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से कुछ कहना चाहेंगे? टाइम बैंक का मतलब ये है, जो हमारे पास स्पेयर टाइम है या जो हम किसी को दे सकते हैं उसका है, तो वो हमारा एक जगह बन जाएगी, उसमें हम अपना नाम वॉलंटरी दे देंगे, भाई मेरे पास इतने से लेके इतना समय है और मैं ये सेवा में लगाना चाहता हूँ, जिसको मेरी जरूरत है या जिसको मेरे लेवल की सहायता चाहिए मैं उनको ये पूरी सहायता दूंगा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये हर जगह पर लागू करना चाहिए। इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि कोई बुजुर्ग दंपति है, उनको कोई लूट ले या और कर ले, तो उसके लिए ये है, जो भी टाइम बैंक में अपना वॉलंटियरिंग देगा उसके पुलिस वेरिफिकेशन करा लो, हो जाएगी जी। तो सारी चीज होनी चाहिए, वो किस टाइम किस घर पे गया है ये भी वहां पे नोट होना चाहिए। जिस तरह हम पैसे निकालते हैं तो हमारी हर ट्रांजैक्शन नोट होती है, इसी प्रकार से जो टाइम बैंक से जाए तो उनकी नोट होनी चाहिए भी किस बुजुर्ग के पास गया, कितना गया। फिर अगर उस आदमी को कभी जरूरत पड़े तो उसकी मदद भी टाइम बैंक को करनी चाहिए, भी इसने इतनी टाइम हमारे को दिया है तो इसको हमारे को वापस इसको देना है। निस्वार्थ भाव से जो है अपनी वॉलेंट्री एक जो है आप श्रमदान या टाइम बैंक या जो भी आप कह सकते हैं, टाइम एक ऐसी चीज है जो चलाएगा कभी वापस नहीं आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा लो, बड़ा से बड़ा आदमी वो कह दे मेरा पिछला कल आ जाए, वो कभी नहीं आएगा। पिछला कल क्या, एक पल भी नहीं आता है पिछला, तो आ रहे हैं वो जो मरने लगता है, उसने किसी से पूछा था भी दो सेकंड दे दे मैं इतने पैसे दे दूंगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम चालू करें तो काफी बुजुर्गों को और काफियों को सहायता मिल सकती है, समय का सदुपयोग भी होगा। केवल यही नहीं, जो हमारी एक्सपर्टीज है वो भी वहां पे यूटिलाइज हो सकती है, केवल हम उसको ही नहीं देंगे, उसके आसपास के आदमी और होंगे जिनको जो सहायता होगी या जो गाइडेंस चाहिएगी वो हमको वो आदमी पूरी तरह से दे सकता है। ये नहीं ऑफिसर, एक छोटा आदमी भी जो था वो भी बहुत अच्छा टाइम दे सकता है। तो ये जो भी आदमी करना चाहे, रिटायर्ड आदमियों को तो 80% को करनी चाहिए, 20% चलो बीमार हैं उनको हम छोड़ सकते हैं जो नहीं कर सकते, बाकी 80% को करना चाहिए। और जो सक्षम व्यक्ति हैं और जो कार्य कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं उनको ये देना चाहिए, इससे बड़ा कोई दान नहीं। मंदिर की भक्ति पूजा से ये सबसे बड़ी पूजा और इससे बड़ा मैं दान नहीं समझता। राठी साहब, आप बधाई के पात्र हैं, आपने जो टाइम बैंक का जो कॉन्सेप्ट हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में टाइम बैंक जैसा कॉन्सेप्ट अगर लागू हो जाए तो कितने परिवार, कितने बुजुर्ग, कितने गरीबों को लाभ होगा, हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। और जिसमें कि हमारे कोई पैसे नहीं लगने, कुछ भी नहीं लगना है। मान लीजिए मैं बीमार हो जाती हूँ और मैं अकेले रहती हूँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं किसी आया को हायर करूँ या किसी डॉक्टर को घर में रखूँ, नर्स को हायर करूँ, तो उस वक्त मेरी नज़र जो है वो बस एक अकेले कमरे में अपने आप को देखते रहने के अलावा और तो कुछ नहीं रह जाएगी ना, मेरी स्थिति दयनीय हो जाएगी। अगर टाइम बैंक कॉन्सेप्ट है हमारे पास तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैं अगर टाइम बैंक से कॉन्टैक्ट करूंगी तो वहां पर जो भी उस वक्त मौजूद होगा वो मेरी मदद कर सकता है, मेरे को दवाइयां दे सकता है, मुझे खाना दे सकता है, मेरे घर में आके मेरी हेल्प कर सकता है। तो राठी साहब, आप समाज को, बुजुर्गों को, हमारी यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़्यादातर तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए कहना चाहूँगा, उनके ये स्थिति आ गई है कि अब हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं,
तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले कल को बिल्कुल भूल जाओ, जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, आगे क्या आएगा उसकी चिंता मत करो, आज का जीवन अपने खूब मजे से जियो, एंजॉय करो, सब कुछ करो। पैसा जो जमा कराया वो आपके काम नहीं आ गया, जो खा लिया, जो पी लिया, जो पहन लिया वो आपका है, बाकी सारा पराया है। तो इस छुरी से जियो और अपनी लाइफ को एक एक पल को एंजॉय करो, ताकि आपकी ज़िंदगी में मजे से और अच्छे तरह से जिए। मैं भी राठ साहब की बात से सहमत हूँ इस बात से कि अपना जितना समय बचा है उसको अच्छी तरह से गुजारो, और थोड़ा भगवान को याद रखो, थोड़ा बच्चों की मदद करो, उनको समझो, बस मेरा यही कहना है। तो अगर बच्चों के साथ रहोगे तो आपका टाइम भी अच्छे से गुजर जाता है और उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी रहती है बच्चों के साथ, क्योंकि जो बचपन हम अपने बच्चों को नहीं देख सके वो उन बच्चों में हम देखते हैं। तो मेरा भी कहना यही है कि भाई आप थोड़ा सा संयुक्त परिवार की ओर भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। आज राठी दंपति के साथ बिताए हुए ये अनमोल पल मेरे लिए जीवन में बहुत प्रेरणा लेकर आए हैं, मेरे लिए प्रेरणादायक हैं, और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपने भी उनकी बात को बहुत इंजॉय किया होगा, और आपको भी कहीं ना कहीं तो ये लगा ही होगा कि कोई ना कोई जो बात इन्होंने हमें बताई है, सिखाई है, वो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज जो है मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ, बहुत आत्मज्ञान लेकर जा रही हूँ। राठी दंपति ने आज हमें इतनी ज्ञान की बातें बताई हैं, इतनी अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और मेरा तो मार्गदर्शन करने ही वाली हैं जीवन में। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद।